Good morning, dear students. Welcome to the online coaching. Dear students, today we are going to discuss <clears throat> how to write a chemical formula. This is standard 9th concept, chapter number 3 atoms and its molecules. Before that, I have given 1 to 20 elements' name and its symbol, okay, with its atomic. Number. So if I ask what is 14th number, you should give the answer silicon and symbol is SI. Okay. If I ask the question, what is 20 number element? You will give answer calcium. Symbol is C, third lithium, fourth, beryllium, fifth, boron, sixth, carbon, seventh, nitrogen, eighth, oxygen, nine, fluorine, ten, neon, eleven, sodium.

प्लस साइन दे ऑल आर डोनर माइनस साइन दे दे आर एक्सेप्टर, ओके विल एक्सेप्ट, सो एक कौन डोनेट करेगा सोडियम पोटेशियम सिल्वर कॉपर ये सारे एक 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 डोनेट करने वाले हैं, दो कौन डोनेट करेगा मैग्नेशियम कैल्शियम जिंक आयन कॉपर देखो यहां पे भी कॉपर यहां पे भी कॉपर यहां पे है कॉपर वन उसका मीनिंग इसके वैलेंसी वन है कॉपर टू मीनिंग वैलेंसी टू है कॉपर थ्री नहीं आता अगर आएगा तो उसकी वैलेंसी थ्री होगी आयन थ्री है मीन्स वैलेंसी उसकी थ्री है ठीक है वो तीन दे रहा है यहाँ पे देखो ये है नॉन मेटलिक हाइड्रोजन एक देगा अगर हाइड्राइड मीन्स वो एक लेगा हाइड्रोजन में ऐसा है कि वो एक दे भी सकता है और एक ले भी सकता है अगर वो दे रहा है तो हाइड्रोजन है ले रहा है तो हाइड्राइड है क्लोराइड एक क्लोरीन एक ले रहा है इसलिए वो बन गया है क्लोराइड ब्रोमाइड बी एक ले रहा है ऑक्साइड ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी माइनस टू है क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर कितना है एट है ठीक है so, सो उसकी वैलेंसी माइनस टू है वो अगर वो दो एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे बोलेंगे हम ऑक्साइड सल्फाइड एस माइनस अभी दो की बात खत्म हो गई यहाँ पे तीन की बात कर लेते पहले एल्यूमिनियम ए एल थ्री आई एन एफ ई -E थ्री मैं आपको बहुत ही कॉमन चीज बताता हूं एल्यूमिनियम <coughs> का नंबर कितना है थर्टीन सो so, एक चीज दिमाग में बिठा दो स्टेबल होने के लिए टू टेन एटीन एल्यूमिनियम है थर्टीन एक्सेस ज्यादा कितना है थ्री का वो दे देगा ताकि वो क्या बन जाए टेन सो so, दे रहा है थ्री इसीलिए ए एल प्लस थ्री ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लो सभी के लिए यही अप्लाई होगा देखो सोडियम पकड़ लो सोडियम का ग्यारह नंबर है दस नंबर उसको बनना है एक ज्यादा है दे रहा है ठीक है पोटेशियम उन्नीस नंबर है उसको एटीन बनना है एक दे रहा है क्लियर ओके okay. यहां पे है पॉलीएटॉमिक एमोनियम एन फोर इसे आपको एक ब्रैकेट में ही लिखना है क्योंकि ये एक साथ ही जुड़ेगा अगर किसी के साथ ये जुड़ रहा है तो ये पूरे का पूरा एक साथ जुड़ेगा ऐसा नहीं है।, एन का प्लस वन है एच फोर का प्लस वन है ये आपको पूरा ही समझना है एन एच फोर उस ये अगर पूरा किसी के साथ जुड़ रहा है तो ये एक एक्सेप्ट करके जुड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जुड़ जाएगा ओ एच माइनस उसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं देखो यहाँ पे है हमारे पास सोडियम ठीक है सोडियम का मीनिंग है एन ए प्लस वन एन ए प्लस वन ओ एच का मीनिंग है ओ एच माइनस वन ये दोनों जुड़ सकते हैं क्योंकि इसके पावर देखो सेम है सेम है मीनिंग वैल्यू सेम है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है इन दोनों को जोड़ दो एन ए ओ एच क्या बन गया एन ए ओ एच अब इसका नाम क्या होगा एन ए मीन सोडियम ओ एच माने हाइड्रोक्साइड इसका नाम बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया इसका नाम सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड लो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत ही इजी है लेकिन आपके दिमाग में एक चीज बैठ जानी चाहिए कि ये दोनों अगर सेम है तो ही जुड़ेंगे वैल्यू में पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं जुड़ेगा नेगेटिव नेगेटिव नहीं जुड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव ही जुड़ेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते नाइट्रेट एनओ थ्री माइनस वन फिर आएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट एच सी ओ थ्री माइनस वन ये रहा कार्बोनेट सी ओ थ्री माइनस टू चलो अब एक और बात ये रहा सी ए सी ए प्लस टू कैल्शियम सी ओ थ्री जो है वो है माइनस टू कार्बोनेट जोड़ दो ये बन गया सी ए सी ओ थ्री क्या नाम बन गया इसका यस yes. कैल्शियम कार्बोनेट क्या नाम है इसका कैल्शियम कार्बोनेट सल्फाइड सल्फाइट नॉट डाइड सल्फाइट एस ओ थ्री माइनस टू सल्फेट एस ओ फोर माइनस टू अभी देखो माइनस टू ठीक है अभी मैं काम करता <coughs> अगर इसको मैं हाइड्रोजन के साथ जोड़ दूँ, हाइड्रोजन तो हमें पता है एक है एस ओ फोर ये कोई दो होगा तो जुड़ेगा इसका मीनिंग यहां पे अगर दो हाइड्रोजन हो गए तो ये जुड़ जाएगा इट मीनस ये बन जाएगा एच टू एस ओ फोर ये क्या बन जाएगा एच टू एस ओ फोर दो हाइड्रोजन जुड़ गए हैं क्लियर सो so, इसे कहेंगे हम H2SO4 और इसे बोलेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ऐसे ही हम HCl बना लेंगे H प्लस वन सी एल माइनस वन ये जुड़ गए दोनों HCl हाइड्रो क्लोरिक एसिड हाइड्रो क्लोरिक एसिड दिस इज एच सी एल सब आपको मेमोराइज करना है अगर आपको ये सब चीजें आती है तो ही आप फॉर्मूला बना सकते हो अभी हम चैप्टर को खत्म कर रहे हैं जो टेक्स्ट बुक में मेथड दिया गया है वो मेथड में आपको सिखा रहा हूं मैंने मेरा अपना मेथड तो पहले ही आपको सिखा दिया किस तरीके से जोड़ना है ठीक है आप देखो अभी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मीन्स एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है हाइड्रोजन क्लोराइड एच नीचे उसका पावर लिख दो क्लोराइड नीचे उसका पावर लिख दो हो okay? गया अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो मींस एच सी एल ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड एक और ले लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है हाइड्रोजन सल्फाइड नाम गौर से सुनिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन माने एच 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 का है वन सल्फाइड एस उसका है दो नेगेटिव है लेकिन नेगेटिव लिखना नहीं है चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इसे इसको दे दो इसको, इसको यहां पे दे दो मीन्स एच टू एस एच टू एस इज अ फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड आपको सल्फाइड दो है वो पता कैसे चलेगा टेबल याद होगा तो ठीक है अभी लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड ये रहा कार्बन कार्बन का वैलेंसी है चार ये तो टेबल में था ही नहीं कार्बन की वैलेंसी फोर है, ये तो टेबल में कहीं पे भी नहीं लिखा था लेकिन आपको पता है कार्बन का नंबर कितना है सिक्स टेन होने के लिए चार ठीक है तो चार वो ले भी सकता है चार वो दे भी सकता है ये रहा अभी यहाँ पे लिखते हैं क्लोरीन क्लोरीन का तो वन है ये बन गया सी सी एल फोर ये बन गया सी सी एल फोर चलो आगे बढ़ते हैं, मैग्नेशियम क्लोराइड मैग्नेशियम आपको पता है वो दो है नंबर है बारह क्लोराइड माने एक एम MgCl, जी सी एल एम जी सी एल टू मैग्नेशियम क्लोराइड एम जी सी एल टू फिर आएगा एमोनियम ऑक्साइड एमोनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम का कितना है थ्री ऑक्साइड का कितना होता है दो इसकी टोपी इसके सर ए एल टू ओ थ्री लोह बन गया क्लियर कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम के साथ ऑक्साइड कैल्शियम का कितना है दो ऑक्साइड का भी दो है सी ओ ये बन गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड ओके सोडियम कार्बोनेट मैंने यहां पे आपको बना दिया था एमोनियम सल्फेट बना देता हूं एमोनियम एमोनियम एन एच फोर उसका पावर तो एक ही है ना एमोनियम फिर क्या बनाना है एमोनियम सल्फेट एस ओ फोर इसका पावर भी एक ही है चलो करा दो सॉरी इसका दो है ना मिस्टेक यहाँ पे चलो अभी बन गया एन एच फोर इसको दे रहे मीन्स आपको ब्रैकेट करना एस ओ फोर एन एच फोर ब्रैकेट टू एस ओ फोर ओके डी स्टूडेंट रिमेनिंग ऑल द थिंग्स आर डिडक्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर सो वन टू ट्वेंटी नेम्स विथ देर वैलेंसी एटोमिक नंबर दैट यू टू लर्न देन there uh, more 11 was given that i have tick mark and uh, this table and this is the process how you have to join them okay thanks for watching this video dear students thank you so much